में भाजपा के संगठन के महामंत्री सत्यपाल चौधरी का नवनिर्वाचित सभासदों ने भव्य स्वागत किया। मथुरा के राया में भाजपा के जिला महामंत्री एवं जिला पंचायत सदस्य पत्नी सत्यपाल चौधरी के राया आगमन पर नगर पंचायत राया के नवनिर्वाचित सभासदों द्वारा बीजेपी जिला महामंत्री एवं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सत्यपाल चौधरी का नवनिर्वाचित भाजपा सभासद अमित अग्रवाल के प्रतिष्ठान पर आगमन पर अमित अग्रवाल की टीम ने राया आगमन पर भाजपा के जिला महामंत्री सत्यपाल चौधरी का स्मृति चिन्ह और फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान नितिन अग्रवाल, रामवीर, नरेंद्र पहलवान, दीपक सैनी, कन्हैया लाल, बबलू सैनी आदि लोग मौजूद रहे। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। आज राया आगमन हुआ, क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? रायावासियों को मैं बहुत धन्यवाद शुभकामना देता हूँ कि लोकतंत्र के इस मंदिर में रायावासियों ने एक नई सरकार चुनी है। भले ही वो निर्दलीय हैं, लेकिन हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि वो राया के विकास के लिए अपना जो उनका संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के हम लोग चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि समाज के अंतिम पीढ़ी पर बैठे व्यक्ति को न्याय दिलाना, उसके चेहरे पर खुशहाली का भाव लाना, यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश और प्रदेश लगातार उन्नति के शिखर पर चलता रहे। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान एक अपराधियों के प्रदेश के रूप में थी, उत्तर प्रदेश की पहचान एक माफियाओं के प्रदेश के रूप में हुआ करती थी। कोई बड़ा व्यापारी उत्तर प्रदेश में बाहर से आकर के यहाँ कोई निवेश करना पसंद नहीं करता था, लेकिन हमारे सन्यासी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब 2017 से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आज कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर हम सबसे चुस्त और दुरुस्त हैं। आज कोई भी अपराधी, कोई भी माफिया किसी प्रकार न व्यापारियों को परेशान कर सकता है, न आम जन को परेशान कर सकता है। आज उत्तर प्रदेश में पुलिस बेहतर पेट्रोलिंग के साथ काम करती है। ये माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश एक मजबूत और निरंतर उन्नति के प्रदेश के रूप में हम सबके सामने खड़ा है। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि राया चौक मेरी गृहनगर है, मेरी कर्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि है। राया में जब मैं चुनावों में यहाँ आया था तो मैं एक बात कहा करता था कि राया मोहब्बत की नगरी है, राया प्रेम और भाईचारे की नगरी है, राया सद्भावना की नगरी है। इसलिए हम सब लोगों के बीच में चुनाव हो गया है, अब हम सब लोगों को मिलकर के राया को सुंदर और भव्य बनाना है, राया को एक स्मार्ट सिटी के रूप में लाना है, राया को भारत के अच्छे शहरों में, भारत के अच्छे कस्बों में राया को शामिल कराना है। यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं हम सब उसका मिलकर के समाधान करेंगे। और मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश बहुत आगे विकास के रास्ते पर जा रहा है। जैसे देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की राय से एक सीट निकली है, स्वागत किया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बहुत खुशी का पल है। हमारे अमित अग्रवाल जी राया से जो है सभासद चुने गए, मैं उनके प्रतिष्ठान पर आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। भारतीय जनता पार्टी के वो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं और समय समय पर पार्टी के साथ बहुत मेहनत करते हैं। और मैं उनसे भी अपेक्षा रखूँगा कि जो 3 इंजन की सरकार है, 3 इंजन की जो सरकार है, उसमें वो अपनी महती भूमिका अदा करें। और यहाँ राया चेयरमैन उनको भी कहते रहें कि राया में जहाँ जहाँ विकास संभव है वहाँ सब विकास कराएं। और हम लोग बिना जाति, मजहब और पंथ के, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कभी किसी व्यक्ति को जाति, पंथ और मजहब के नज़रिए से नहीं देखती है। हम लोग चाहते हैं कि देश में सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो और हम इसी मुद्दे पर आगे चल सके। इस भारतीय जनता पार्टी जो देश को और प्रदेश को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं।